नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। रीवा के गुड़ चौराहे पर स्वास्थ्य विभाग प्रशासन का छापा, शांति क्लिनिक सील, यूनि डायमंड पैथोलॉजी पर खबर लिखे जाने तक कार्रवाई जारी थी। कई दिनों बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई की। मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति के विरोध में कल काली पट्टी तो आज काम का बहिष्कार कर दिया। डॉक्टरों ने सेवा इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर, जिसकी वजह से गंभीर रोगियों को इलाज मिला, सामान्य रोगी बगैर इलाज के वापस लौटे। जन सुनवाई में सैकड़ों से ज्यादा लोग पहुंच रहे। हर मंगलवार को ज्यादातर मामले राजस्व, पंचायत, सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित। सभी शिकायतों का त्वरित निराकरण करने में जुटा जिला प्रशासन। अस्पताल में समय से ब्लड नहीं मिला, जिसकी वजह से घर पर खाना बनाते समय बुरी तरह से जली महिला की इलाज के दौरान संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई। महिला सतना की रहने वाली थी। अंडे का ठेला बंद करके अपने घर जा रहे वृद्ध को फोर व्हीलर ने मारी ठोकर, इलाज के दौरान वृद्ध की हुई मौत। घटना विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत नीम चौराहे के आगे रविदास नगर की। पिकअप की ठोकर से पैदल जा रहे युवक की संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक मैहर के पास पौनी धाम का रहने वाला था। एक्सीडेंट वहीं पर हुआ। युवक के सर सहित शरीर के विभिन्न हिस्से में काफी चोटें आई थी। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।